शहर में स्थित आरसीवास कॉलोनी में गणपति स्थापना के 7 दिन के बाद गणपति विसर्जन कार्यक्रम रखा गया। आशा रामावत ने बताया कि गणेश जी आगमन से लेकर विसर्जन तक इन 7 दिनों में गणपति जी की पूजा अर्चना के साथ साथ दोनों समय आरती की जाती थी और गुरुवार को इनका विसर्जन कार्यक्रम रखा गया। इको फ्रेंडली के साथ साथ गणेश जी मिट्टी के रखे गए, जिन्हें बाद में गार्डन में पानी के ड्रम में विसर्जन किया गया और उस मिट्टी को पौधों में काम में लेंगे, ऐसा रामावत परिवार ने किया। समीक्षा रामावत, कुणाल रामावत, कृतिका रामावत, विजय रामावत, मनोज रामावत के साथ साथ अंकिता माहेश्वरी, करिश्मा शर्मा, शर्मिला रामावत, प्रियंका चावला, आकांक्षा वर्मा, डॉक्टर नेहा जैन, सकीना बोहरा, गीता मुंद्रा, हंसा समदानी, कुसुम जाजू, मधु शर्मा, सुलक्षणा शर्मा, सुनीता सारडा, मंजू डूंगरपुर, निर्मला बरकटिया, मंजू पोखना, निर्मला बुलिया, शशि अग्रवाल, मंजू नागोरी आदि उपस्थित थे। साथ ही सिद्धार्थ रामावत और विशाखा रामावत भी उपस्थित थे। शहर के चित्रकूट नगर स्थित चिंताहरण मंदिर प्रांगण में भक्तों ने जल झूलनी एकादशी का कीर्तन बड़ी धूमधाम से किया। यशोदा माँ की जलवा पुजवाई गई और भोग और आरती कर प्रसाद वितरित किया गया। इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर से सांवरिया सेठ मंदिर नौगावा तक 5वीं पैदल यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर महंत बनवारी शरण महाराज काठिया बाबा ने यात्रियों को भगवा ध्वज दिखाकर रवाना किया। इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर में गुरुदेव छगन जैन एवं समस्त भक्त मंडल लल लगातार 5वीं यात्रा पर रवाना हुआ। पंडित रमाकांत के मनमोहक मंत्र उच्चारण द्वारा विधिवत पूजन किया गया। इस यात्रा में सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। सांवरिया सेठ मंदिर पहुंचकर भक्तों ने नृत्य और संगीत से सांवरिया सेठ जी को रिझाया। वहीं माधव गोशाला द्वारा समस्त पैदल यात्रियों का सम्मान किया गया। इस यात्रा में विष्णु जड़िया, कोपी दादा, आशीष जोशी, अरुण संचेती, प्रवीण जैन, संजय ओझा, महावीर जैन, राम जांगीर, जगदीश सहित सैकड़ों भक्त मंडल हाजिर रहा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेवा दल के अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के जयपुर निवास पर भिलवाड़ा के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं विधानसभा प्रत्याशी अनिल लांगी के नेतृत्व में योगेश सोनी को सेवा दल भिलवाड़ा के जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। शेखावत ने सोनी को जिला सेवा दल कार्यकारिणी, ब्लॉक अध्यक्ष एवं पंचायत अध्यक्ष मनोनीत करने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर योगेश सोनी ने हेम सिंह का आभार व्यक्त किया और विश्वास दिलाया कि वो जिले में सेवा दल को गति देंगे। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के जिला सचिव मोहम्मद हारून रंगरेज, मुकेश नारायणीवाल, महावीर व्यास आदि मौजूद थे। लायंस क्लब शक्ति व जॉइंट क्लब प्रगति के संयुक्त तत्वावधान में इंजीनियर स्टे पर प्रतिभावान इंजीनियर का स्वागत किया गया।
अध्यक्ष सोनाक्षी शर्मा ने जानकारी दी कि एमएलबी टेक्सटाइल के 11 पार्षद ओम पराशर साई राम के द्वारा श्रीफल प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में लायंस सीईओ डॉक्टर उषा अग्रवाल, सचिव सविता विजयवर्गीय, राजेंद्र राठी, ममता शर्मा व अन्य सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भव्या अग्रवाल, कृष्णा पांड्या, प्रीति कुमारी, खुशबू लक्षकार, शिवानी सिंह तोमर, महक सिंह तोमर, रंजना राणावत, काजल मतलानी, भावना सिंह, टीवी परमार, राहुल तोमर, शिवम भाटी आदि इंजीनियर का सम्मान किया गया। सेवा समर्पण अभियान के तहत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन भाजपा जिला अध्यक्ष लादूराल तेली के निर्देशानुसार भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष इमरान कायम खानी के नेतृत्व में मानसरोवर झील में मछलियों व बतखों को दाना और पक्षियों के परिंडों में पानी डालकर प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया। इस शुभ अवसर पर जिला महामंत्री इमरान काजी, जिला मंत्री बरकत सौरगर, अख्तर पठान, बिट्टू सिलावट, कोषाध्यक्ष पंकज कोठारी, मांडलगढ़ ग्रामीण मंडल अध्यक्ष असलम शाह, जाकिर मीर, बनेड़ा मंडल अध्यक्ष मुमताज कायम खानी, शाहपुरा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष गुलशेर कायम खानी, जिला कार्यकारिणी सदस्य मीनाक्षी नाथ, जिला मीडिया प्रभारी फारूक खान मोनू, अरशद पठान, हारून भाई लोहार, मुस्तफा पठान, दिनेश सैन आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। राजस्थान प्रांतीय तेलिक साहू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष शौकीन चंद राठौर द्वारा हीरालाल तेली को गंगापुर सहाड़ा तहसील अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। साथ ही मनोहर लाल तेली को युवा अध्यक्ष व संजय सेतवाल को युवा महामंत्री पद पर नियुक्त किया। नवनियुक्त कार्यकारिणी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष राठौर, जिला अध्यक्ष व प्रदेश पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति द्वारा केशव हॉस्पिटल रोड स्थित अपना घर वृद्धा आश्रम में शुगर, घुटना दर्द व एक्यूप्रेशर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को शिविर प्रातः 9 से 11 बजे तक रहेगा। अध्यक्ष दलाल समदानी ने बताया कि शिविर में डॉक्टर सत्यनारायण नुवाल, श्याम सुंदर पारिक, सुभाष गर्ग सभी रोगियों को देखकर उचित सलाह व निःशुल्क दवाइयां देंगे। वर्तमान समय में कोरोना गाइडलाइन के दिशा निर्देश से सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रमों पर लगी रोक से मांडल कस्बे के बड़े मंदिर के ठाकुर श्री शेषशायी जल झूलनी एकादशी पर जल विहार करने के लिए कार से धर्मतलाई पहुंचे। पुजारी महेश पाराशर ने बताया कि अल सुबह पंडित मनोज जोशी द्वारा भगवान का रुद्राभिषेक किया गया, नौका विहार का मनमोहक श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात कोविड गाइडलाइंस की पालना के साथ भगवान के विग्रह को कार से धोमनी धर्मतलाई ले जाया गया, जहां धर्मतलाई में भगवान का मंत्रों के साथ स्नान करवाकर आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। निष्ठाम भगवान के विग्रह को ले जाकर मंदिर परिसर में जल झूला लगाया गया। इस अवसर पर विनोद पाराशर, संदीप पाराशर, हरीश पाराशर, ओम प्रकाश बिरला, विनोद सोनी, अनुराग मुंद्रा, प्रज्वल बसेर, मुकेश छवर, दिवाकर सोनी, प्रकाश चेचाणी, सत्यनारायण मंडोरा, विनित जाजू, श्रीराम लड्ढा, बालकृष्ण भट्ट, वेद प्रकाश तिवारी सहित कई भक्त उपस्थित रहे। उपरेड़ा में समस्त ग्रामवासी एवं वीर तेजा नवयुवक मंडल के विशेष सहयोग से वीर तेजा जी का मारवाड़ी खेल 12 सितंबर से 16 सितंबर तक आयोजित हुआ। ग्राम उपरेड़ा में हर साल की भांति इस साल भी 5 दिवसीय कार्यक्रम में वीर तेजाजी महाराज का मारवाड़ी खेल मारवाड़ी कलाकारों द्वारा शानदार प्रस्तुत किया गया। इसमें मनोरंजन के साथ धर्म, आस्था और शिक्षा, संस्कृति, संस्कार के बारे में कलाकारों ने खेल के माध्यम से बताया और तेजाजी महाराज को रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए और तेजाजी महाराज का एक संदेश था कि जाति पाति से ऊपर उठकर सभी को भाईचारे की भावना से रहते हुए अच्छे कर्म करने चाहिए और सत्य मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। कलाकारों ने अपनी कला जथा से यह संदेश दिया। 5 दिवसीय कार्यक्रम के समापन दिवस पर मुझे शनि महाराज मंदिर के पीठाधीश महाराज श्री ने अपने उद्बोधन में बताया कि वीर तेजाजी शेषावतार लक्ष्मण के अवतार है, जिनको शंकर भोलेनाथ का 11 अवतार भी माना जाता है, जो एक सामान्य पुरुष नहीं बल्कि एक युग पुरुष थे। इसलिए पूरे देश दुनिया में तेजाजी के मंदिर वे देवरे हैं जो पूजे जाते हैं और तेजादशमी के उपलक्ष्य पर बड़े धूमधाम से मेले आयोजित होते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व डेयरी
चेयरमैन रतनलाल चौधरी, मंडल प्रधान शंकरलाल कुमावत, सरपंच चामंडिया करेड़ा से संपतलाल कुमावत, पंचायत समिति सदस्य करेड़ा से प्रतिनिधि शिव कुमावत, कुमावत समाज के पूर्व चोखला अध्यक्ष एवं कांग्रेस पार्टी के सक्रिय प्रतिनिधि रायपुर करेड़ा से लालू राम कुमावत, गोविंदपुरा समाज सेवी लक्ष्मीलाल कुमावत करेड़ा, कांग्रेस पार्टी सक्रिय कार्यकर्ता महावीर वैष्णव शोभालाल जाट, पार्षद सत्यनारायण कुमावत, नगर परिषद बिलवाड़ा, सगत सेवा समिति अध्यक्ष प्रभु सिंह कानावत, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि प्रहलाद बेरवा, पूर्व सरपंच राधेश्याम कुमावत, सरपंच ईश्वर सिंह कानावत, शंभूलाल गुजर, बालकिशन रामणा राजपूत, बैरवा समाज के अध्यक्ष भंवरलाल बैरवा, मंडल उपाध्यक्ष फूलूलाल बैरवा, जीएसएस अध्यक्ष हरिराम तेली आदि कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। वीर तेजा कला मंडल गोपालपुरा राजू राव ने बताया कि लगातार कई वर्षों से उनकी पीढ़ी इस कला का प्रदर्शन करते आ रहे हैं, जिसमें कई तरह के खेल दर्शकों की मांग पर दिखाए जाते हैं। उबरेड़ा में तेजा जी का खेल पूरे तरीके से किया गया। पूरे कार्यक्रम का मन संचालन सत्यनारायण कुमावत अध्यक्ष वीर तेजा नवयुवक मंडल एवं मनोनीत पार्षद नगर परिषद भिलवाड़ा ने किया। 5 दिनों से आए हुए सभी मुख्य अतिथियों का ग्राम वासियों एवं मंडल की ओर से साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। जॉइंट्स ग्रुप ऑफ फिलवाड़ा सहेली द्वारा जॉइंट्स सेवा सप्ताह के तहत जरूरतमंदों में राशन सामग्री वितरित की गई। अध्यक्ष अल्पना राका के अनुसार राशन सामग्री में आटा, दाल, चावल, शक्कर व नमक आदि जरूरत के सामान वितरित किए गए। सचिव रंजीता अग्रवाल ने सभी को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया। वे कहा कि वैक्सीन लगवाने से हम अपने साथ साथ दूसरों की जान को जोखिम में डालने से बचा सकते हैं, अतः वैक्सीन अवश्य लगानी चाहिए। कार्यक्रम में कुमुद भूतड़ा, रीना गर्ग, राजेश गुप्ता, शकुंतला सांखला आदि ग्रुप के सदस्य उपस्थित थे। जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में सभी नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस जहाजपुर चिकित्सालय में फल वितरण कर मनाया। भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र खटीक ने बताया कि आज देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिवस जहाजपुर क्षेत्र में पूरे हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें विधायक गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में नगर पालिका अध्यक्ष नरेश मीणा, उपाध्यक्ष राजू काटिया, भाजपा नगर अध्यक्ष फेरू ठाकुर, एसटी मोर्चा के महेंद्र गेरुठा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जहाजपुर चिकित्सालय पहुंचकर सभी मरीजों और पूरे स्टाफ को फल वितरित करके नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस मनाया। उसके बाद डाक बंगले में आकर विधायक मीणा ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। हम सभी कार्यकर्ताओं को उनके पद चिन्हों पर चलकर देश को प्रगति के पथ पर ले जाना है और हर गरीब असहाय की मदद करके सभी को बराबरी पर लाना है। इसके साथ ही देश सेवा का जो जज्बा मोदी ने दिखाया है, उसी राह पर सभी कार्यकर्ताओं को चलना है। मोदी के जन्मदिवस को हमें केवल एक दिन ही नहीं पूरे सप्ताह के रूप में मनाना है। हर दिन एक संकल्प लेकर हम सभी को चलना है। इस कार्यक्रम में कैलाश टेपण, महेंद्र खटीक, मूलचंद तेली, महेंद्र मीणा, हरि मीणा, दामल जैन, सुरेश टहलनी, कमल गौड़ आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। रायपुर तहसील क्षेत्र के नांदशाह जागे शक्ति केंद्र पर मोदी के जन्मदिवस का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें पूर्व सरपंच व मंडल उपाध्यक्ष फेरू सिंह चुंडावत, जिला उपाध्यक्ष राव जयदीप सिंह, कर्मठ कार्यकर्ता जगदीश तिवारी, तहसील किसान मोर्चा अध्यक्ष दीपकमल गुजर, युवा मोर्चा तहसील उपाध्यक्ष व बूथ अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, बूथ अध्यक्ष प्रहलाद सिंह, बूथ अध्यक्ष ठकल सिंह, मीडिया प्रभारी भेरू तिवारी, नारायण कुमावत, शिव सिंह, भोपाल सिंह, गुलाब सिंह, धन सिंह, भेंक सिंह, गोवर्धन लुहार, राजू गार्डी, भेरू सिंह, भुरालाल शर्मा, सूरजमल शर्मा, शंकरलाल कुमावत, रणजीत सिंह, भेरू भील, रामलाल बलाई, किशनलाल बलाई, शांतिलाल खटीक व समस्त भाजपा कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित हुए। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिवस मनाया व हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। भाजपा जिला अध्यक्ष राधुलाल तेली और भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष राजेश सैन के नेतृत्व में प्रताप मंडल में कुंभा सर्किट पर ओबीसी मोर्चा द्वारा सफाई करके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस मनाया गया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि इस कार्यक्रम में उपसभापति रामलाल योगी, महामंत्री बाबूलाल टांक, महामंत्री मुरली जोशी, प्रहलाद त्रिपाठी, कार्यक्रम संयोजक नंदलाल गुजर, सह संयोजक अनमोल पाराशर, प्रताप मंडल अध्यक्ष अनिल जादून, मोर्चा महामंत्री कैलाश सुवालका, मंत्री कैलाश चाट, कोषाध्यक्ष रवि पुरी, ओबीसी मंडल अध्यक्ष पंकज यादव, मोहन दिया, शाहपुरा जिला प्रभारी अमित सारस्वत, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष दीपक पाराशर आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।
प्रेस क्लब शाहपुरा की बैठक शुक्रवार को अध्यक्ष चांदमल मुंद्रा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जयपुर के वरिष्ठ पत्रकार व साहित्यकार तथा पिंक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष रहे ईश मधु तलवार के आकस्मिक निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि दी गई। महासचिव मूलचंद पेसवानी ने सभा में कहा कि प्रेस क्लब फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहते हुए वरिष्ठ पत्रकार तलवार 20 मार्च 2007 को शाहपुरा आए थे। शाहपुरा में प्रेस क्लब के वर्तमान भवन के लोकार्पण समारोह में बतौर उन्होंने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किया था। उन्होंने उस समय प्रेस क्लब शाहपुरा को प्रेरणादायी बताते हुए कहा था कि फेडरेशन के रिकॉर्ड के मुताबिक समूचे देश में अपने स्वामित्व का उपखंड मुख्यालय पर प्रेस क्लब शाहपुरा ही है। उन्होंने प्रेस क्लब भवन को अकादमिक व सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया था। लोकार्पण समारोह के बाद भी तलवार बराबर प्रेस क्लब शाहपुरा की गतिविधियों की जानकारी लेते रहे थे। पेसवानी ने कहा कि तलवार हमेशा नए पत्रकारों को प्रेरित करते थे तथा भाषा ज्ञान सुधारने पर उनका ज्यादा जोर था। पत्रकारों के हितों के लिए सदैव अग्रणी रहे। ईश मधु तलवार के निधन से राजस्थान की मीडिया साहित्य जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। उन्होंने एक अच्छे संवाददाता लेखक के रूप में पहचान बनाई और राष्ट्रीय स्तर पर अनेक लोगों को प्रभावित किया। पत्रकारों के हितेशी के रूप में उनकी सेवाओं को सदैव याद किया जाता रहेगा। बैठक में अध्यक्ष चांदमल मुंद्रा, उपाध्यक्ष राम प्रकाश काबरा, कोषाध्यक्ष सूर्य प्रकाश आर्य, भिरुलाल लक्षकार, अनुज कांटिया, गणेश सुगंधी, रमेश पेसवानी मौजूद रहे। सभी ने बाद में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी तथा तलवार के परिजनों को संवेदना पत्र भेजा गया। शुक्रवार को 15वीं विधानसभा के 25वें दिन क्षेत्रीय विधायक जब्बर सिंह साखला ने प्रश्नकाल के दौरान सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना से प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न करते हुए पूछा कि स्पिनफेड की इकाई जो गंगापुर व गुलापुरा एक ही जिले में होने के पश्चात भी 25 फरवरी 2001 को गंगापुर इकाई के 135 श्रमिकों का समायोजन किया गया है, किन्तु गुलापुरा के शेष बचे श्रमिकों का आज दिन तक समायोजन नहीं किया। श्रमिक अपने पदों के समायोजन को लेकर उपखंड कार्यालय गुलापुरा में कई दिनों से धरने पर बैठे, जिनका अब तक समायोजन नहीं हो पाया। वहीं जिनका समायोजन किया गया वो श्रमिक भी अपने निवास स्थान से 500 किलोमीटर की दूरी पर अन्यत्र जिलों में अलग अलग राजकीय विभागों में नौकरी कर रहे हैं, जिनका मूल वेतन 8,500 ही है। जबकि विभाग में कार्यरत अन्य कर्मचारियों के पद व कार्य सम्मान होने के पश्चात भी इनको वेतन सम्मान नहीं दिया जा रहा। उक्त राशि कर्मचारियों के आने जाने में ही खर्च हो जाती है, जिस पर सहकारिता मंत्री आंचना ने विधानसभा में जवाब देते हुए कहा कि जिन जिन श्रमिकों का अन्यत्र जिले में अन्यत्र विभागों में समायोजन कर दिया गया है, उन सभी श्रमिकों का जिले के स्थानीय विभागों में अतिशीघ्र रिक्त पदों पर समायोजन कर दिया जाएगा।